आखिरी बार जीत 1972 में मिली थी। पश्चिम बंगाल के लोग 51 सालों से कह रहे हैं कांग्रेस कांग्रेस। उत्तर प्रदेश और बिहार और गुजरात कांग्रेस आखिरी 1985 में जीती थी। पिछले 38 वर्षों से वहां के लोगों ने कांग्रेस को कहा है, वहां के लोगों ने कांग्रेस को कहा है। त्रिपुरा में उन्हें आखिरी बार 1988 में जीत मिली थी। 35 वर्षों से ओडिशा में कांग्रेस को आखिरी बार इप्पटि वरकु हेड्लैन्स ओकसारि चूद्दाम। पार्लमेंट लो मूडो रोज नो ट्रस्ट पै चर्च अविश्वास तीर्मानानिकि प्रधानी मोदी समाधान। पवन डब्बु मनिषि कादु ओक्क अवकाशं इव्वालनि माजी भार्य ट्वीट। నేటి నుంచి మూడో విడత వారాహి యాత్ర, కాసేపట్లో పవన్ బహిరంగ సభ। ఎకరం 39 కోట్ల రూపాయలు రికార్డు ధర పలికిన బుద్వేల్ భూములు। కరీంనగర్ లో ఎన్ఐఏ సోదాలు, పిఎఫ్ఐ సభ్యుడి ఇంట్లో తనిఖీలు। కేంద్ర సర్కార్ చెరువతో దిగొచ్చిన టొమాటో ధర ఢిల్లీలో కిలో ఒకింటికి 70 రూపాయలు। డీటెయిల్స్ చూద్దాం। విపక్షాల అవిశ్వాస తీర్మానంపై వరుసగా పార్లమెంట్లో మూడో రోజు చర్చ జరుగుతోంది। ఇందులో భాగంగా ప్రధాని మోదీ అవిశ్వాస తీర్మానంపై సమాధానమిస్తూ విపక్షాలకు చురుకులంటించారు। ఐదేళ్ల కాలంలో విపక్షాలు ప్రజల విశ్వాసం చోరగొనడంలో విఫలమయ్యారని అన్నారు। ఫీల్డింగ్ విపక్షాలు చేస్తుంటే ఫోర్లు సిక్స్లు తమ వైపు నుండి పడ్డాయని చెప్పారు। ఐదేళ్లు టైం ఇచ్చిన విపక్షాలు సిద్ధం కాలేదని, నో కాన్ఫిడెన్స్ నో బాల్గానే మిగిలిపోయిందని ఎద్దేవా చేశారు। అవిశ్వాస తీర్మానంపై మోదీ తనదైన శైలిలో విపక్షాలకు చురుకులంటించారు। అవిశ్వాస తీర్మానంపై పార్లమెంట్లో చర్చ జరుగుతుందని లైవ్ చూద్దాం। जब हम सब जनता के पास गए तो जनता ने भी पूरी ताकत के साथ इनके लिए नो कॉन्फिडेंस घोषित कर दिया और चुनाव में एनडीए को भी ज्यादा सीटें मिली और भाजपा को भी ज्यादा सीटें मिली। यानी एक तरह से विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिए शुभ होता है। और मैं आज देख रहा हूं कि आपने तय कर लिया है कि एनडीए और बीजेपी 2024 के चुनाव में पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ करके भव्य विजय के साथ जनता के आशीर्वाद से वापस आएंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के प्रस्ताव पर यहां तीन दिनों से अलग अलग विषयों पर काफी चर्चा हुई। अच्छा होता कि सत्र की शुरुआत के बाद से ही विपक्ष ने गंभीरता के साथ सदन की कार्यवाही में हिस्सा लिया। बीते दिनों इसी सदन ने और हमारे दोनों सदन ने जनविश्वास बिल, मेडिएशन बिल, डेंटल कमीशन बिल, आदिवासियों के लिए जुड़े हुए बिल, डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल, कोस्टल एक्वाकल्चर से जुड़ा बिल, ऐसे कई महत्वपूर्ण बिल यहां पारित। और ये ऐसे बिल थे जो हमारे फिशरमैन के हक के लिए थे और उसका सबसे ज्यादा लाभ केरल को होना था और केरल के सांसदों से ज्यादा अपेक्षा थी कि ऐसे बिल पर तो अच्छे ढंग से हिस्सा लेते, लेकिन राजनीति उन पर ऐसी हावी हो चुकी है, उनको फिशरमैन की चिंता नहीं। यहाँ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के भी देश की युवा शक्ति के आशा आकांक्षाओं के लिए एक नई दिशा देने वाला बिल, हिन्दुस्तान को एक साइंस पावर के रूप में भारत कैसे उभरे, वैसी दीर्घ दृष्टि के साथ सोचा गया था।
उससे भी आपका इतराज। डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल, ये बिल अपने आप में देश के युवाओं के जज्बे में जिस बात आज प्रमुखता से है उससे जुड़ा हुआ था। आने वाला समय टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। आज डाटा को एक प्रकार से सेकंड ऑयल के रूप में, सेकंड गोल्ड के रूप में माना जाता है। अविश्वास तीर्मा पै पार्लमेंट लो मोदी मातलाडुतुन्नारु लैव्लो चूद्दाम। आने के लिए आपने इतना बड़ा मजमा लगाया था और मजेदार ये कि मजमा खत्म होने से पहले ही उसका क्रेडिट लेने के लिए आप में सिर फुटबॉल शुरू हो गई। मैं हैरान था कि ये गठबंधन लेकर आप जनता के बीच जाएंगे। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं, आप जिसके पीछे चल रहे हो, आप जिसके पीछे चल रहे हो उसको तो इस देश की जवान, इस देश की संस्कार की समझ ही नहीं बची है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग लाल मिर्च और हरी मिर्च का फर्क नहीं समझ पाए। लेकिन आप में से कई साथियों को मैं जानता हूं, आप तो आप सबको भारतीय मानस को जानने वाले लोग, आप लोग भारत के मिजाज को पहचानने वाले लोग हैं। वेश बदलकर धोखा देने की कोशिश करने वालों की हकीकत सामने आ ही जाती है। जिन्हें सिर्फ नाम का सहारा है, जिन्हें सिर्फ नाम का सहारा है, उन्हीं के लिए कहा गया है दूर युद्ध से भागते, दूर युद्ध से भागते नाम रखा रणधीर, दूर युद्ध से भागते नाम रखा रणधीर। भाग्यचंद की आज तक, भाग्यचंद की आज तक सोई है तकदीर, भाग्यचंद की आज तक सोई है तकदीर। आदरणीय अध्यक्ष जी, इनकी मुसीबत ऐसी है कि खुद को जिंदा रखने के लिए, खुद को जिंदा रखने के लिए इनको एनडीए का ही सहारा लेना पड़ा है। खुद को जिंदा रखने के लिए इन्हें एनडीए का ही सहारा लेना पड़ा। लेकिन आदत के मुताबिक घमंड का जो आई है ना आई, वो उनको छोड़ता नहीं है और इसलिए एनडीए में दो आई पिरो दिए, दो घमंड के आई पिरो दिए। पहला आई 26 दलों का घमंड और दूसरा आई एक परिवार का घमंड। एनडीए भी चुरा लिया कुछ बचने के लिए और इंडिया के भी टुकड़े कर दिए। आई डॉट एन डॉट डी डॉट आई डॉट। आदरणीय अध्यक्ष जी, जरा हमारे डीएमके के भाई सुन ले, जरा कांग्रेस के लोग भी सुन ले। अध्यक्ष महोदय, यूपीए को लगता है कि देश के नाम का इस्तेमाल करके अपनी विश्वसनीयता बढ़ाई जा सकती है।
लेकिन कांग्रेस के सहयोगी दल, कांग्रेस के अटूट साथी तमिलनाडु सरकार में एक मंत्री दो दिन पहले ही ये कहा है, तमिलनाडु सरकार के एक मंत्री ने कहा है इंडिया उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, इंडिया उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। उनके मुताबिक तमिलनाडु तो भारत में है ही नहीं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं, तमिलनाडु वो प्रदेश है, तमिलनाडु वो प्रदेश है जहां हमेशा देशभक्ति की धाराएं निकली है, तमिलनाडु वो प्रदेश है जहां हमेशा देशभक्ति की धाराएं निकली है। जिस राज्य ने हमें राजा जी दिए, जिस राज्य ने हमें कामराज दिए, जिस राज्य ने हमें एमजीआर दिए, जिस राज्य ने हमें अब्दुल कलाम दिए, आज उस तमिलनाडु से स्वर सुनाई दे रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, जब आपके अलायंस अंदर ही अंदर ऐसे लोग हो जो अपने देश के अस्तित्व को नकारते हो, तो आपकी गाड़ी कहां जाकर के रुकेगी? जरा आत्मचिंतन करने का मौका मिले और आत्मा बचा हो तो जरूर करिएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, नाम को लेकर उनका ये चश्मा आज का नहीं है। नाम को लेकर ये जो मोह है ना, वो उनका आज का नहीं है, ये दशों को पुराना चश्मा है। इन्हें लगता है कि नाम बदलकर देश पर राज कर लेंगे, गरीब को चारों तरफ उनका नाम तो नजर आता है लेकिन उनका काम कहीं नजर नहीं आता। अस्पतालों में नाम उनके हैं, इलाज नहीं है। शैक्षणिक संस्थाएं नाम लटक रहे हैं, सड़कों हो पार्क हो उनका नाम, गरीब कल्याण की योजनाओं पर उनका नाम, खेल पुरस्कारों पर उनका नाम, एयरपोर्ट पर उनका नाम, म्यूजियम पर उनका नाम। अपने नाम से योजनाएं चलाई और फिर उन योजनाओं में हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार किए। समाज के अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति काम होते देखना चाहता था लेकिन उसे मिला क्या? सिर्फ सिर्फ परिवार का नाम। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस की पहचान से जुड़ी कोई चीज उनकी अपनी नहीं है, कोई चीज उनकी अपनी नहीं है। चुनाव चिन्ह से लेकर विचारों तक सब कुछ कांग्रेस अपना होने का दावा करती है, वो किसी और से लिया हुआ है। आदरणीय अध्यक्ष जी, प्लीज माननीय सदस्य प्लीज सीट पे जाइए, सीट पे। अपनी कमियों को ढकने के लिए चुनाव चिन्ह और विचारों को भी चुरा लिया, फिर भी जो बदलाव हुए हैं उसमें पार्टी का घमंड ही दिखता है, ये भी दिखता है कि 2014 से वो किस तरह डिनायल के मोड में है। पार्टी के संस्थापक कौन? एओ ह्यूम एक विदेशी थे,
जिन्होंने पार्टी बनाई। आप जानते हैं 1920 में भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई ऊर्जा मिली, 1920 में एक नया ध्वज मिला और देश ने उस ध्वज को अपना लिया, तो रातों रात कांग्रेस ने उस ध्वज की ताकत देख करके उसे भी छीन लिया और प्रतीक को देखा कि ये गाड़ी चलाने के लिए ठीक रहेगा। 1920 से खेल चल रहा है और उनको लगा कि तिरंगा झंडा देखेंगे तो लोग देखेंगे उनकी बात हो रही है, ये उन्होंने खेल किया। वोटरों को बुलाने के लिए गांधी नाम भी हर बार वो भी चुरा लिया। कांग्रेस के चुनाव चिन्ह देखिए, दो बैल, गाय बछड़ा और फिर हाथ का पंजा, ये सारे उनके कारनामे, उनके हर प्रकार की मनोवृत्ति का प्रतिबिंब करता है, उसको प्रकट करते हैं और ये साफ दिखाता है कि सब कुछ एक परिवार के हाथों में सब केंद्रित हो चुका है। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये इंडिया गठबंधन नहीं है, ये इंडिया गठबंधन नहीं है, एक गमंडिया गठबंधन है। ये इंडिया गठबंधन नहीं है, गमंडिया गठबंधन है और इसकी बारात में हर कोई दूल्हा बनना चाहता है, सबको प्रधानमंत्री बनना है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस गठबंधन ने यह भी नहीं सोचा है कि किस राज्य में आपके साथ आप किसके साथ कहां पहुंचे हैं। पश्चिम बंगाल में आप टीएमसी और कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ है और दिल्ली में एक साथ है। और अधीर बाबू 1991 पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव इन्हीं कम्युनिस्ट पार्टी ने अधीर बाबू साथ क्या व्यवहार किया था वो आज भी इतिहास में दर्ज है। खैर 1991 की बात तो पुरानी है, पिछले साल केरला के वायनाड में जिन लोगों ने कांग्रेस के कार्यालय में तोड़फोड़ की, ये लोग उनके साथ दोस्ती करके बैठे हैं। बाहर से तो अपना लेबल बदल सकते हैं, लेकिन पुराने पापों का क्या होगा, ये पाप आपको लेके डूबेंगे। आप जनता जनार्दन से ये पाप कैसे छिपा पाओगे, आप नहीं छिपा सकते हो। और इनको आज जो हालत, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अभी हालात ऐसे हैं इसलिए हाथों में हाथ, अभी हालात ऐसे हैं इसलिए हाथों में हाथ। जहां हालात तो बदले फिर छुरियां भी निकलेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये गमंडिया गठबंधन देश में परिवारवाद की राजनीति को सबसे बड़ा प्रतिबिंब है। देश के स्वाधीनता सेनानियों ने, हमारे संविधान निर्माताओं ने हमेशा परिवारवादी राजनीति का विरोध किया था।
महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद, गोपीनाथ बोर्डली, लोकनायक जयप्रकाश, डॉक्टर लोहिया, आप जितने भी नाम देखेंगे सबने परिवारवाद की खुलकर आलोचना की है, क्योंकि परिवारवाद का नुकसान देश के सामान्य नागरिक को उठाना पड़ता है। परिवारवाद सामान्य नागरिक के उसके हकों, उसके अधिकारों से वंचित है। इसलिए इन विभूतियों ने हमेशा इस देश पर बात जोर दिया था कि देश को परिवार, नाम और पैसे पर आधारित व्यवस्था से हटना ही होगा। लेकिन कांग्रेस को हमेशा ये बात पसंद नहीं आई। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमने हमेशा परिवारवाद का विरोध करने वालों का हमने बराबर देखा है कि उसके प्रति उनकी कैसी नफरत की भावना है। कांग्रेस को परिवारवाद पसंद है, कांग्रेस को दरबारवाद पसंद है, जहां बड़े लोग, उनकी बेटे बेटियां भी बड़े पदों पर काबिज हो। जो परिवार से बाहर है उनके लिए भी यही है कि जब तक आप इस महफिल में दरबारी नहीं बनोगे तो आपका भी कोई भविष्य नहीं है, यही उनकी कार्यशैली रही। इस दरबार सिस्टम ने कई विकेट लिए, कितनों का हक मारा है इन लोगों ने। बाबा साहब अंबेडकर, कांग्रेस ने जी जान लगाकर दो बार उनको हरवाया। कांग्रेस के लोग बाबा साहब अंबेडकर के कपड़ों का मजाक उड़ाते थे। ये वो लोग हैं, बाबू जगजीवन राम, उन्होंने इमरजेंसी पर सवाल उठाए तो बाबू जगजीवन बाबू को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, उनको प्रताड़ित किया। मुरारजी भाई देसाई, चरण सिंह, चंद्रशेखर जी, आप कितने ही नाम लीजिए। दरबारवाद के कारण देश के महान लोगों के अधिकारों को इन्होंने हमेशा हमेशा के लिए तबाह कर दिया। यहां तक कि जो दरबारी नहीं थे, जो दरबारवाद से जुड़े नहीं थे, उनके पोर्ट्रेट तक पार्लियामेंट में लगाने से इनको झिझक होती थी। 1990 में उनके पोर्ट्रेट सेंट्रल हॉल में तब लगी जब बीजेपी समर्थित गैर कांग्रेसी सरकार सामने आई। लोहिया जी की पोर्ट्रेट भी संसद में तब लगी जब 1991 में गैर कांग्रेस सरकार बनी। नेताजी की पोर्ट्रेट 1978 में सेंट्रल हॉल में लगाई जब जनता पार्टी की सरकार थी। लाल बहादुर शास्त्री और चरण सिंह, उनका पोर्ट्रेट भी 1993 में गैर परिवार की सरकार में लगा। सरदार पटेल के योगदान को भी कांग्रेस ने हमेशा नकारा। सरदार साहब को समर्पित विश्व की सबसे ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी प्रतिमा बनाने का गौरव भी हमें प्राप्त हुआ। हमारी सरकार ने दिल्ली में पीएम म्यूजियम बनाया, सारे पूर्व प्रधानमंत्रियों को सम्मान दिया। पीएम म्यूजियम दल और पार्टी से ऊपर उठकर सभी प्रधानमंत्रियों को समर्पित है। उनको ये भी नहीं पता है, क्योंकि
उनके परिवार के बाहर का कोई भी प्रधानमंत्री बना हो वो उनको मंजूर नहीं है, उनको स्वीकार नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, बहुत बार कुछ बुरा बोलने के इरादे से भी जब कोशिश होती है तो कुछ न कुछ सच भी निकल जाता है, और सच में ऐसे अनुभव हम सबको है, कभी कभी सच निकल जाता है। लंका हनुमान ने नहीं जलाई, लंका हनुमान ने नहीं जलाई।